तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शाहिद और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ गाइस। अभी मैं अपना घर पे हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ बहुत ही दूर और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस, मैंने बोला था ना कि आपको मैं आज बहुत ही अच्छा एक लोकेशन पे लेके आऊँगा आपको, तो मैं वो आपको लेके आ गया हूँ। मैं अभी मिजोरम की थोड़ी बहुत क्लोज हूँ, वो यहाँ पे देख सकते हो पीछे जो धुंधला धुंधला एरिया है ना, वहाँ पे है मिजोरम की पहाड़ी एरिया और यहाँ पे भी पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अलग, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देखते हैं वो सब क्या है। चलिए तो गाइस, मैंने बताया था कि आपको मैं आज बहुत ही शानदार बढ़िया जगह पे लेकर आऊँगा। और ये जो चीज़ मेरे पीछे आप देख सकते हो ना, ये सब सुखाने के लिए रखा हुआ है और ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग पहचानते होंगे इसको, हमारी यहाँ की भाषा में कहते हैं रेमा, और इसका फुल नेम है फुल रेमा, और इसकी अंदर है फुल। और ये घर की जो झाड़ू दी ना, झाड़ू और पूजा में काम आता है, देख सकते हो। और ये सब सिर्फ मिजोरम में ही मिलता है और कोई भी नहीं मिलता। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ मिजोरम से यहाँ पर आता है और इसके बाद यहाँ पर ये सब रेडी होता है और इसके बाद ये सब दिल्ली में चला जाता है या कलकत्ता मुंबई, हर शहर में जाता है यहाँ की जो रेमा होता है। और यह सिर्फ हमारे यहाँ मिजोरम पे ही मिलता है और कोई भी नहीं मिलता। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो रेमा है ना, ये पूरा सूख गया है और इसका जो आप डांडिया देख सकते हो ये पूरा टाइट हो गया है। और ये जो कच्चा वाला होता है वो ऐसा होता है, इसका कच्चा होता है, ये सब अभी सूखा नहीं है, इसका अभी फूल भी है देख सकते हो। और इसका यह अभी व्हाइट व्हाइट हो गया है, तो ये अभी रेडी है पूरा बाज़ार में जाने के लिए। तो यहाँ से ये लोग सब बाज़ार में बेच देंगे, आप देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो ये सब अभी सुखा दिया गया है और अभी रोड चला जा रहा है, आप देख सकते हो ये सूरजमामा नीचे जा रहा है। तो ये सब अभी यहाँ पे देख सकते हो स्टैक मार रहा है अभी, और ये सब ऐसा ही रहेगा पूरा रात को। और इसके बाद इसको फिर से कल सुबह फिर से ऐसे ही इस लाइन पर बिछाया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बेम्बू रखा हुआ है, मतलब ये लाइन है पूरा, इस लाइन से बिछाया जाता है, देख सकते हो ये पूरा एरिया। और ये साफ देख सकते हो ना, ये है यहाँ का कंट्रेक्टदार और ये सब इनका है और ये अभी बेचेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनका मैं नंबर भी आपको पूरा खोला, इसको खोला बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हैं माल, यहाँ पे लगभग 15-16 टन हो जाएगा यहाँ पे सामान, आप देख सकते हो बहुत सारे है। ये सब ऐसा रखा जाता है, आप देख सकते हो ये सब यहाँ पे दिन में सुखाने के बाद ये सब ऐसा रखा जाता है ताकि ये रेमा ख़राब ना हो। आप देख सकते हो इनका टेक्निक, देख सकते हो कैसा टेक्निक लगाया भाई। और गाइस ये सब तो यहाँ पे पूरा खुला मैदान है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है, ये भीग जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो इनके पास एक जुगाड़ है, ये पॉलीथीन इसके ऊपर पूरा बिछाया जाएगा और ये पूरा सेफ रहेगा, मतलब ये बारिश में भी नहीं आएगा, ये सब ऐसा ही रहता है। देख सकते हो अभी पहाड़ से कट के आया है, देख सकते हो ये पहाड़ में होता है, ये पहाड़ी फूल है, ये अभी नया नया आया है, देख सकते हो ये स्टैक पे है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मैं अभी रेमा की जो फैक्ट्री बोल सकते हो या कोई खोला बोल सकते हो, ये सब यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे आए थे, मैं एक अकेला आया था और आप लोगों को दिखाया कि ये सब कैसे बनता है। और मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए, मैं यहाँ पे आ रहा था और रास्ते में मुझे ये सब मिल गया था और मैं आपको दिखा दिया गाइस। और आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि यह सब कैसे बनता है, तो मैं आपको दिखा दिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, और ऐसे ही नए नए मज़ेदार वीडियो पाने के लिए गाइस ये सब्सक्राइब वाला बटन ना इसको प्रेस कर दो। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।